नमस्कार सिटी लाइव डायलॉग्स में मैं अशोक राही आपका स्वागत करता हूं आज हमारे साथ हैं राजनीति के कुरुक्षेत्र में उतरे डॉक्टर महावीर गोयल कहो आकाश में कुहरा घना है ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से सूर्य का भी देखना क्या देखना है दोस्तों 1947 में जब लोकतंत्र का सूर्य इस देश में उगा था तो लगा था कि उसकी किरणें हर क्षेत्र में पहुंचेंगी हर एक इंसान के पास पहुंचेंगी हर गरीब के पास हर उस आदमी के पास जिसे हम अंत का आदमी कहते हैं परंतु ऐसा हुआ नहीं न जाने वो किरणें किन बादलों ने रोक ली किन दागियों ने रोक ली किन बागियों ने रोक ली और ऐसे में हमारे सामने हमारी आशा बंधती है कुछ ऐसे सभ्य सुसंस्कृत और पढ़े लिखे उम्मीदवारों से जो कि अपना एक भरा पूरा कैरियर छोड़कर राजनीति के कुरुक्षेत्र में उतरे हैं आज हमारे साथ हैं देश के प्रमुख अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के पूर्व हड्डी रोग विशेषज्ञ और प्रोफेसर महावीर गोयल डॉक्टर साहब आप क्या सोचकर राजनीति के मैदान में कूदें सर आज का जो वातावरण है वो तो जो जनता के बीच में ऐसा लग रहा है कि राजनीति में स्वच्छ लोग तो आ ही नहीं पा रहे हैं सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि राजनीति एक बहुत गंदा क्षेत्र है इसमें अच्छे लोग जा ही नहीं सकते जब मैंने इसमें जाने का निर्णय किया तब मुझे भी कई लोगों ने यह कहा कि डॉक्टर साहब इसमें कहाँ फंस रहे हो तो मैंने उनको कहा कि भाई जब अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे ही नहीं तो फिर राजनीति अच्छे कैसे हो सकती है ये निश्चित रूप से गंदा क्षेत्र है मुझे भी बहुत हिचकिचाहट है इसमें जाने में पर मैंने ये कर रखा है यदि इस मैं अच्छी तरह रहकर तो मैं राजनीति कर सकूं तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा यदि मुझे लग रहा कि मैं भी और राजनेताओं की तरह होते जा रहा हूं उसी दिन मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा और मैं अपने जो कार्यक्षेत्र है उसी में रहूंगा सर दो दिन बाद चुनाव हैं और इस समय जो उम्मीदवार हैं वो तो बिल्कुल पागल हो रहे हैं उनके चारों तरफ इस तरह घूम रहे हैं लेकिन आप बड़े सुकून में दिखलाई दे रहे हैं इसका क्या कारण है इसका कारण ये है कि सर मैं शुरू से ही जब चुनाव क्षेत्र में उतरा मेरे कई यार दोस्तों ने रिश्तेदारों ने सब ने कहा इसमें बहुत पैसा खर्च होता है मैंने शुरू से ही कह रखा कि मैं इस चुनाव क्षेत्र में अपनी जो लिमिट है वो पचास हज़ार से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूँगा मैंने आज भी मैं जब हिसाब प्रस्तुत करने गया तो मैंने मेरा हिसाब बताया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने ये पचास हज़ार रुपये क्यों रखे हैं कि भाई मेरा इससे ज़्यादा मेरा पैसा खर्च करने का इरादा नहीं है यदि जनता अपने आप कम पैसे खर्च करके यदि वोट दे सकती है तो दे अदरवाइज चमक तमक और जो शोर शराबे से वोट देती है तो इस राजनीति का सुधार होना असंभव है डॉक्टर साहब पचास हज़ार रुपये आपने बिल्कुल एक आदर्श रखा है लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपको इस तरह वोट जनता देगी सर मैं अभी कई क्षेत्रों में इंडिविजुअली घर घर जाके लोगों से मिला हूँ और मिलने के बाद जब मैंने बताया कि भाई मैं इस क्षेत्र में कुछ विशेष पर्पज से आया हूँ तो लोगों ने कहा कि साहब आप जैसे लोग राजनीति में आते ही कहाँ हैं तो उन्होंने कहा कि आप इसको आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं हम आपको ज़रूर समर्थन देंगे और जब कई लोग मेरे मित्रों ने भी कहा इवन मेरी वेशभूषा को लेकर भी लोगों ने कहा कि भाई एक सल पाजामा कुर्ता और जैकेट पहने मैंने कहा जी मैं जो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा दिखना राजनीति की दिखना नहीं है अपन को लोगों की सेवा करनी है इसका कुछ पजामा कुर्ता पहनने से या जैकेट पहनने से ही राजनेता नहीं दिखोगे उनको कार्य से अपन को बताना है कि अपन जनता की सेवा कर रहे हैं जैसे मैंने मेरे चिकित्सा क्षेत्र में भी मेरी तरफ़ से मैंने कोशिश की है कि पेशेंटों को जितना अच्छा दे सकूँ क्योंकि मेरे गुरु थे जोशी शर्मा साहब उन्होंने मुझसे एक चीज़ सिखाई थी कि पेशेंट का कभी दिल मत दुखाना जितना अपनी तरफ से अच्छा हो सकता है वो बता देना और पेशेंट को सच बोलना कि भाई ये हो सकता है उसको कभी गुमराह करने की कोशिश नहीं करना राजनीति में भी मेरी कोशिश यही है कि जो मैं हूँ मैं वैसा ही लोगों को बताऊँ ये ऐसा नहीं कि मैं अंदर से कुछ हूँ और लोगों को कुछ और बताऊँ लेकिन डॉक्टर साहब लगता तो ये है आज की तारीख में कि राजनीति में तो कितने घपलेबाजी होने लग गए और बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो तो एक स्वच्छ राजनीति तो आईसीयू में चली गई है तो आप पास कोई ऐसा कोई रोड मैप है इसको निकालने का यूसी से निकालने का कि इसको कुछ स्वस्थ किया जा सके सर राजनीति में आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चीज है वो है जाति और धर्म के नाम पे जो लोगों को बांटा जा रहा है ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप टिकट देते वक्त ये देखते हो कि किस क्षेत्र में किस जाति के वोट है किस धर्म के ज्यादा वोट है किस के मानने वाले ज्यादा लोग हैं उस आधार पर आप लोग चुनते हो फिर राजनेता उसी आंकड़ों के हिसाब से अपना सारा कार्यक्रम तैयार करते हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चुनाव लोकतंत्र का नहीं कि जातियों की आपस में शक्ति दिखाने का कारण है मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए कि साहब आप फला समाज से हो ये दूसरे समाज के खड़े हैं अपने वोट बट जाएंगे तो मैंने उनसे ये कहा भाई समाज जाति का इससे कोई लेना देना नहीं है मैं मैं एक अच्छे कार्य के लिए इसमें आया हूँ और उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ इससे जाति का कोई लेना देना नहीं योजनाएं जो सरकार बनाती है वो भी जाति और धर्म को देख के बनाती है या तो अल्पसंख्यक के हिसाब से बनाएगी दलितों के हिसाब से बनाएगी पिछड़ों के हिसाब से बनाएगी या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट है उसके हिसाब से बनाएगी मेरा कहना है कि सारी योजनाएँ जो है वो बननी चाहिए आर्थिक आधार पर कि लोगों का जीवन यापन ऐसी योजनाएँ बनाए जिससे अच्छी तरह हो सके उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके तीसरी चीज़ जो जाति के हिसाब से है जो इन्होंने आरक्षण व्यवस्था कर रखी है उसके अंदर क्या एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं जाति के हिसाब से मेरा कहना है कि आप आरक्षण चालू रहना चाहिए लेकिन जो जो लोग इसका फ़ायदा उठा सके उन लोगों को इस सिस्टम से बाहर करना चाहिए ताकि जो लोग पीछे रह गए उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके जैसे कोई पंगत लगती है सौ आदमी पंगत में बैठे हैं एक से पंद्रह तक मिठाई बढ़ती है उसका मिठाई का वो जो डोंगा है वो खाली हो जाता है दूसरा आदमी मिठाई लेकर आता वापस एक से चालू करता फिर पंद्रह तक खाली हो जाता सोलहवें आदमी का नंबर ही नहीं आता तो ऐसे ही आरक्षण व्यवस्था में क्या होना चाहिए जिन लोगों को फ़ायदा मिल चुका है उन लोगों को इस व्यवस्था से बाहर करना चाहिए और जो पीछे दलित रह गए हैं पिछड़े रह गए हैं उन लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए डॉक्टर साहब जनतंत्र के अंदर जनता के मुद्दे तो गौण हो गए हैं जनता के लिए जो सामान्य सुविधाएं हैं उनके लिए वो तरसती फिर रही है और राजनीतिक दल भी एक दूसरे से जो सवाल पूछ रहे हैं वो किसी का गोत्र पूछा जा रहा है किसी के जाति को लेकर चर्चा हो रही है और किसी के खानदान के ऊपर बातचीत हो रही है किसी के पिता का नाम पूछा जा रहा है कोई कह रहा है कि मेरी माँ को गाली दी जा रही है इस स्थिति में आज आप आज की राजनीति को आप क्या नाम देंगे सर इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है ना वो जनता भी है जनता जब वोट देती है तो वो सिर्फ जो मान्यता प्राप्त दल है उन्हीं लोगों के नाम देखती है बैलेट पेपर में जितने पंद्रह बीस पच्चीस कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनके नाम को जानने की कोशिश नहीं करती उनको खुद को आगे आना चाहिए जनता को उनको देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट खड़ा है उसका क्या बैकग्राउंड है किस परपज़ से आया है और आगे हमारे लिए क्या कर सकता है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है ये सब चीज़ देखनी चाहिए तो आज की राजनीति में राजनीतिज्ञों ने देख रखा है कि इस पंद्रह बीस दिन के अंदर हम लोगों को भावनात्मक मुद्दों पर जैसे भी घुमाए फिराए अल्टीमेटली वोट हमें ही देगी जैसे मुझे मैं भी कई जगह प्रचार के लिए गया हूँ तो लोगों ने कहा कि डाक्टर साहब आप जीतोगे तो है नहीं आप क्यों खड़े हो तो मैंने कहा भाई जीतने हारने की बात नहीं है बेसिकली मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि जातिविन्न समाज का निर्माण होना चाहिए अगर आपको लगता है जातिविन्न समाज के निर्माण पर वोट दिए जा सकते हैं तो आपको वोट देना चाहिए रही बात जो सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य ये कोई सी भी सरकार आए अपने लेवल पे कुछ न कुछ करेगी इनमें भी एक इनका बहुत स्वार्थ छिपा हुआ मैं आपको बता दूँ अगर ये सड़क नहीं बनाएंगे पुल नहीं बनाएंगे बिजली नहीं लाएंगे तो ये करप्शन नहीं कर पाएंगे करप्शन नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे इसके पीछे एक बड़ी राज है विकास का जो मुद्दा है ना ये होना चाहिए लेकिन विकास के मुद्दे के पीछे भी इनकी स्वार्थता छिपी हुई है अगर ये आप देखो हर साल रोड बनती है कभी इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि रोड ऐसा बने कि पाँच साल तक खराब ही नहीं हो आप टोंक रोड पे देखना गांधी नगर मोड़ से लेकर के टोंक फाटक तक एक सीमेंटेड रोड बनी हुई है वो मेरे हिसाब से पाँच साल से बनी हुई है वो खराब नहीं हुई क्यों नहीं ऐसी योजना बनाएं कि आप सीमेंटेड पूरे शहर में बने ताकि खराब नहीं हो हर बार उस परत पे परत चढ़ाई जाती है उसका रीजन है इन लोगों का कोकस बना हुआ है जो ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञों का कि हर छः महीने में सड़क बने उसमें ये पैसा कमाएँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके अभी इलेक्शन शुरू हुए कई गलियों में रिसेंटली सड़क बिछाई जा रही है ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हम कर रहे हैं काम जबकि ये सड़क पहले बन जानी चाहिए थी और इनके पीछे मैंने आपको बता रहा हूँ विकास के जो मुद्दे पर है फ्लाई ओवर बना खासा कोटी का जबरदस्ती उसको बना के भटक दिया क्या मकसद था नहीं बनाते इससे बढ़िया तो उसका सारा पैसा बेकार गया तो ये जो विकास के मुद्दे में भी इनकी स्वार्थता छिपी हुई है ये लोग उसमें से पैसे कमाना चाहते हैं उसकी योजना इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि इससे हमारा स्वार, इनका स्वार्थ सिद्ध हो उससे जनता का तो भी फायदा कुछ देखते ही नहीं है डॉक्टर साहब आप चिकित्सा क्षेत्र से हैं हमारे देश में हमारे समाज में चिकित्सा की क्या समस्याएं हैं ये ये आज़ादी के इतने दिनों बाद भी इस इस पूरी प्रॉब्लम को एक ढंग से हल क्यों नहीं किया गया है सर चिकित्सा के क्षेत्र में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जो फ्री दवाइयाँ बांटने का आ, सिस्टम शुरू किया बहुत अच्छा सिस्टम है लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्री सिस्टम में आप देखो लेक्यूना ना यह है कई दवाइयाँ ऐसी खरीदी गई है जो बिल्कुल काम ही नहीं आती और जो दवाइयाँ ज़्यादा काम आती है वो मिलती नहीं है पेशेंटों को उसका रीज़न क्या है इस दवाई के खरीदने में ये जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा इनको कमीशन मिलता है वो दवाई तो खूब खरीद ली जाती है और बाकी की दवाइयाँ खरीदी नहीं जाती मैं ये कह रहा हूँ आप सबको फ्री की बजाय जो नीडी आदमी है उसको फ्री मिलनी चाहिए उसका इलाज पूरा फ्री होना चाहिए उसका इंडोर भी फ्री होना चाहिए बजाय आप सबको दवाई फ्री देने के जो एलिजिबल कैंडिडेट है कि ये गरीब है या बी है जो भी इन्होंने योजना बना रखी है उसको पूरा फ्री इलाज दे बजाय सबको फ्री देने के इसका नुकसान क्या हुआ सर ओ के अंदर जो अननेसरी पेशेंट है जो घूमने आते हैं वो लोग भी उसमें लाइन में लग जाते हैं और उससे वो तो सिफारिश करा के आगे दिखा के चले जाते हैं जो नीडी पेशेंट है गरीब आदमी वो लाइन में पीछे लगा रहता है उसको फायदा अल्टीमेटली नहीं होता वो जाँचों के लिए तीन दिन पड़ा रहता है क्योंकि फ्री जाँचें हो रही है लोग प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं जांच लिखा के लाते हैं सरकारी डॉक्टर से जाके कहते हैं साहब ये जाँचें मुझे यहाँ के पर्चे में दे दीजिए उस क्योंकि वह फ्री होती है तो इसका मतलब उसकी अफोर्डेबिलिटी है क्योंकि प्राइवेट में दिखा सकता है लेकिन फ्री जांच होती है इसलिए हो जाता है हॉस्पिटल में आता नीडी पेशेंट उससे वंचित रह जाता है मेरा तो कहना है सबको फ्री की बजाय आप जो नीडी पेशेंट है उसको सारा इलाज फ्री हो यह नहीं कि उसकी एक 400-500 दवाइयां फ्री कर रखी वही फ्री में उसका पूरा इलाज फ्री होना चाहिए उससे क्या है कि जो गरीब आदमी है उसको बहुत राहत मिलेगी अदरवाइज क्या होता है इंडोर पेशेंट में कई दवाइयाँ फ्री मिलती नहीं है वो खरीदनी पड़ती है हजार हज़ार के इंजेक्शन है सौ पांच सौ के इंजेक्शन को खरीद के लाने पड़ते हैं तो सारी दवाइयाँ जो इंडोर पेशेंट है मैं कह रहा हूँ इंडोर पेशेंट को आप सारा फ्री कर दीजिए ओ पेशेंट में आपको सेलेक्टेड जो गरीब आदमी है उनको ही फ्री सर्विसेज मिलनी चाहिए उनको फ्री जाँचें होनी चाहिए ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग पेमेंट पर पे कराएं उस चीज़ को डॉक्टर साहब आप जिस क्षेत्र से खड़े हुए हैं सांगानेर से वहाँ तो बड़े बड़े एक उस्ताद लोग खड़े हुए हैं जैसे भाजपा से अशोक लाहोटी हैं और कांग्रेस से एक युवा उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज को खड़ा किया गया है और इसके अलावा स्वयं घनश्याम तिवारी भी खम ठोक रहे हैं तो इन तीनों के बीच में आपकी क्या योजना है कैसे आप निकलेंगे सर जीतने हारने का मैंने कभी चुनाव लड़ते वक्त सोचा ही नहीं कि जीतूंगा या हारूंगा मैं लोगों को जो जाति विहीन समाज की परिक्रमा लेकर के उतरा हूँ मेरा कहना यह है कि संविधान में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को अपने नाम के आगे जाति लिखी नहीं जाए सिर्फ उसका नाम होना चाहिए ताकि लोगों को पता ही लगे कौन किस जाति का है आज अपन आम बोलचाल में भी जो किसी को बोलते हैं गोयल साहब कैसे हैं गर्ग साहब कैसे हैं शर्मा साहब कैसे हैं तो लोग नाम भूल करके जाति से पुकारते हैं मैं कह रहा हूँ संविधान में व्यवस्था ऐसी हो कि जाति का उसमें कहीं उल्लेख ही नहीं हो ऐसे ही आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि लोग कहते हैं इतने ब्राह्मण हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने दलित है इतने वेश है इतने जैन है ये विश्लेषण भी समाचार पत्रों में आना बंद होना चाहिए जिससे लोगों को जाति का जो उकसाने वाला सिस्टम है वो बंद हो और इन आपने कहा कि इन तीनों चारों के बीच में मैं कैसे देख रहा हूँ अपने आप को तो मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जो आप आकलन करेंगे उसमें बहुत बहुत पीछे दिखूँगा लेकिन मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ जब मैं लोगों से मिला हूँ लोग मेरे को अंदर ही अंदर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जिस दिन ग्यारह तारीख को परिणाम आएगा आप देखेंगे कि काउंटिंग में निश्चित रूप से मेरा नाम जो ऊपर नीचे जो काउंटिंग में होगी उसमें नाम जरूर देखेंगे ये मेरा पूरा विश्वास है क्या बात है बहुत विश्वास के साथ डॉक्टर महावीर गोयल मैदान में हैं लेकिन एक बात मैं और पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि आप जो वर्तमान में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं इनको किस तरह इस इनको किस नज़रिए से देखते हैं सर प्रमुख राजनीतिक दलों का तो यह है कि उनका तो कोई एजेंडा ही नहीं है न कोई उनकी क्रेडिबिलिटी है चार बजे तक के कोई आदमी किसी एक पार्टी में है पाँच बजे वो टिकट मिलता दूसरी पार्टी में चला जाता है न कोई विचारधारा है न कोई क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की तो राजनीति का तो इनका तो ये कहन प्रकार है ना सत्ता पाना होता है दूसरी चीज़ आपने कभी देखा होगा ये खुद भी कहते हैं साहब हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे कोई ये नहीं कहता हम योग्य कैंडिडेट को टिकट देंगे या अच्छे कैंडिडेट को टिकट देंगे सब लोग कहते हैं साहब हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे चाहे वो कितने ही उस पर आरोप लगे हो कितने ही भ्रष्ट हो कुछ भी हो वो कभी भी ये नहीं कहेंगे हम स्वच्छ छवि वाले लोग को टिकट देंगे आज सब लोग जिताऊ कैंडिडेट पर ध्यान दे रहे हैं कि जिताऊ होना चाहिए चाहे वो कैसा ही हो जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे डॉक्टर महावीर गोयल ने एक बहुत बड़ी समस्या एक बहुत बड़े सत्य के ऊपर से पर्दा हटाया है डॉक्टर साहब आपका चुनाव चिन्ह खाट तो क्या सचमुच आप इन सबों की खाट खड़ी कर देंगे सर ये तो मैं तो नहीं कह सकता काट कड़ी करूँगा लेकिन ये है कि मेरे आपको मैंने एक ही चीज़ कही कि इतने वोट आएंगे कि इन दोनों तीनों पार्टी को ये समझ में आ जाएगी कि लोग इनकी जो गंदी राजनीति है और जो जाति धर्म के लोगों को बांट रहे हैं वो इनको सीख लेनी पड़ेगी इस चुनाव से कि एक बिना प्रचार प्रसार के एक आदमी गुमनाम सा आदमी राजनीति में आया चुनाव लड़ा और इतने वोट ले गया कि हम लोगों को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि लोगों को इस आधार पर मुझे वोट देंगे और इन लोगों को शिक्षा मिलेगी राजनीतिज्ञों को इतने आत्मविश्वास इतनी तल्लीनता और इतने धैर्य के साथ अगर हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर महावीर गोयल जैसे प्रमुख डॉक्टर चिकित्सक अगर समाज के अंदर आए राजनीति में आएँ तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का चेहरा बदल सकता है इसका हमें यकीन है